गाइस, अगर आप ग्रो ऐप के थ्रू SIP में इन्वेस्ट किए हो और आपका SIP इंस्टॉलमेंट किसी मंथ का मिस हो गया है, तो अपना मिसिड SIP को पे करना चाहते हो तो कैसे पे करोगे, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आसानी से आप अपना मिसिड SIP को पे कर सकते हो। तो अगर अपने चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से ग्रो ऐप में अपना मिसिड SIP पे करते हैं। तो अपना मिसिड SIP इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद ऊपर में डैशबोर्ड और नीचे में म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप अपना मिसिड SIP पे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना मिसिड SIP इंस्टॉलमेंट दिखाता हूँ कि जो मेरा मिस हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपना फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा म्यूचुअल फंड SIP का 8वां इंस्टॉलमेंट फेल शो कर रहा है। तो इसे ही पे करके लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। तो आप अपना मिसिड SIP यहाँ से भी पे कर सकते हो। तो इसके अलावा और भी ऑप्शन है पे करने का, मैं वो आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो आपको बैंक में आना है। बैंक में आने के बाद यहाँ पर आपके जो भी म्यूचुअल फंड होंगे वो सारे यहाँ पर शो करेंगे। तो जिस SIP का मिसिड इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हो उस फंड को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना फंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद वन टाइम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना अमाउंट देने के बाद पे करने के लिए इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से पे करने के लिए अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं UPI ID के द्वारा पे करना चाहता हूँ, तो UPI ID सिलेक्ट कर लिया हूँ और पे वाले ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। पे वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके UPI ID पर पे करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद अपना UPI ऐप को ओपन कर लेना है पे करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना UPI ऐप को ओपन कर लेता हूँ पे करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट 500 रुपये का मेरा UPI ऐप पर आ चुका है। तो यहाँ से मैं पे कर देता हूँ, पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद फिर से पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। और पिन डालकर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सक्सेसफुल पेमेंट जो है हो जाता है। तो यहाँ देख पा रहे सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। तो अब मैं अपना ग्रो ऐप ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ग्रो ऐप में मेरा सक्सेसफुल पेमेंट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मेरा ग्रो ऐप में भी ऑर्डर सक्सेसफुल शो कर रहा है, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डन वाले ऑप्शन क्लिक करके बैक में जाता हूँ और जैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑर्डर इन प्रोग्रेस का ऑप्शन शो करने लगता है। तो यहाँ पर देख पा रहे ऑर्डर इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करके कब तक आपका फंड में आपका मिसेड इंस्टॉलमेंट ऐड कर दिया जाएगा वो यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर स्टेटस वाला ऑप्शन क्लिक करना है और ऑर्डर स्टेटस के नीचे यूनिट्स एलोकेशन इन प्रोग्रेस के नीचे एक एक्सेप्टेड डेट शो कर रहा है। इसी डेट के अंदर आपका इंस्टॉलमेंट जो है पे कर दिया जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से अपना मिसिड SIP इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। अगर अभी भी आपको मन में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर। जय हिंद।